गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू कमालिस्तान स्टूडियो। आ गया। आपको पता है ये स्टूडियो 1958 में बना था, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। यू नो, जब फिल्म मेकर कमाल अमरोही जी ने ये लैंड खरीदा था, इट वाज अ फॉरेस्ट, लिटरली अ फॉरेस्ट। फिर उन्होंने यहाँ पर स्टूडियो बनवाया, पर ग्रीनरी कायम रखी। यू कैन सी स्टूडियो में कितने सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है। और गाइस, यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकीज़ा, महल, रजिया सुल्तान, अमर अकबर एंथनी, कालिया, संजय दत्त की खलनायक, सलमान खान की दबंग 2। यहाँ सेट लगा हुआ है गाइस, कुछ तो शूट हो रहा है। ये आवाज सुनी आपने, शूट हो रहा है। ये देखो, गांव का सीन दिखाना है तो ये टांगे जैसा है कुछ। ये कुआं है गाइस, इसमें हीरोइन जंप मार देती है, और जंप मार के कहां बैठती है देखो। और आप सोचते हो वो डूब गई है ना। गांव का सीन हो तो ये घर दिखाते हैं। मंदिर का सीन हो तो मंदिर में होता है, मस्जिद का हो तो मस्जिद में होता है। ये असली के मंदिर और मस्जिद नहीं है, सेट बना दिए जाते हैं शूट के वक्त। गाइस, ये जो पेड़ है ना, ये सेलिब्रिटी पेड़ है। इसे आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। यहाँ क्या है? Let's go upstairs. Guys, ये rooms हैं जो shooting में use होते हैं, पर ये rooms हैं नहीं। आई मीन, असली के रूम्स नहीं है, सिर्फ वॉल्स हैं, डोर्स हैं एंड विंडोज हैं, और पीछे से खाली है। ऊपर से देखो सारा नजारा नीचे का। देखो रूम के पीछे क्या है, जंगल है। शूटिंग के वक्त जब डोर से कोई निकलता है तो लगता है कि रूम से आ रहा है, पर वो रूम है नहीं।
नीचे चलते हैं। यूनिट का सामान पड़ा है। कोई गांव के सीन की तैयारी हो रही है। देखो लालटेन, व्हील, पहिया, वो रहा इसका दूसरा भाई, दूसरा पहिया, ये क्या बोलते हैं, चारा, चारा है, ये वो मशीन है, आई थिंक इसमें चारा काटते हैं, बकेट, गांव के सीन की तैयारी हो रही है। गाइस बहुत सारे लेजेंड्स ने कमालिस्तान में शूट किया है। मधुबाला जी और मीना कुमारी जी के कदम कितनी बार स्टूडियो में पड़े होंगे। जिस जमीन पर मैं चल रही हूँ, कितनी बार मधुबाला जी चली होंगी, मीना कुमारी जी चली होंगी किसी ज़माने में इसी मिट्टी पर। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। अमिताभ बच्चन जी से लेकर अजय देवगन, संजय दत्त, काजोल, अर्जुन कपूर और भी बहुत सारे स्टार्स ने कमालिस्तान में शूटिंग की है। यहाँ भी कोई सेट लगा हुआ है, वो देखो। यूनिट के लोग खाना खा रहे हैं। ऊपर से दिखाती हूँ, ये वही ग्राउंड है जो स्टार्टिंग में दिखाया था। हट भी है। लेट्स गो टू रेलवे स्टेशन, नकली वाला रेलवे स्टेशन। क्या लिखा है? अमलापुर, जो भी नाम रखना हो उसे लिख देते हैं। ये टिकट काउंटर है, डॉग्स बैठे हैं फिलहाल तो। ये देखो तो ट्रेन, असली ट्रेन की तरह बनी हुई है पर किसी स्टेशन पे नहीं जाती, यही रहती है। अंदर से देखो सीट्स वगैरह सब असली हैं। आपको लगता है ट्रेन चल रही है, कुछ लोग इसे धक्का मारते हैं, हिलती है एंड यू थिंक ट्रेन चल रही है, पर वो चलती नहीं, बिल्कुल असली ट्रेन जैसी है ना। यहाँ देखो ये पटरी पर है पर बिना पहिए की ट्रेन इसे ही चला देते हैं, तभी तो कहते हैं माया नगरी, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। ये बुक स्टॉल है, जब शूटिंग होती है तो बुक्स, मैगजीन्स वगैरह डाल दी जाती है।
छत देखो, ऐसी होती है ना रेलवे स्टेशन की छत। बिल्कुल असली रेलवे स्टेशन लग रहा है ना? ये है टी स्टॉल। टी ना हो तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर टी स्टॉल बना दिया जाता है। ये रूम्स हैं जैसे स्टेशन पे होते हैं। Let's get out from here. ये जो rooms हैं ना, ये junior artists को देते हैं। वो यहाँ rest भी करते हैं, तैयार भी होते हैं। गाइस, इधर भी कोई शूट होने वाला है। आज का ये तीसरा शूट है। इधर भी ट्राइपॉड, कैमरा, डिफ्यूजर्स, रिफ्लेक्टर्स। चलो आपको जेल दिखाती हूँ। ये है नकली वाली जेल जो मूवीज में असली लगती है। देखिए, सेट डिजाइनर्स बिल्कुल तैयार करके इसे असली वाला लुक दे देंगे। खिड़की से बाहर देखते हैं।
कैमरा रखा हुआ है एरी। ये जो घर दिख रहा है ना, इसमें भी बहुत शूट होते हैं। ये देखो डॉग, आई लव एनिमल्स। इधर ऑफिस है, इधर देखते हैं क्या है। कितनी ग्रीनरी है देखो तो, मुंबई में इतनी खुली जगह मायने रखती है। Guys, I'm feeling thirsty. I'm going to canteen. See you there. Till then, bye.